हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ग्रीन गार्लिक मट्ठा की रेसिपी, जो सूरत का फेमस है और ये स्पेशली हरे उंधिये के साथ सर्व किया जाता है। हरा उंधिया मीन्स सूरत का स्पेशल जो हरे रंग का उंधिया रहता है वो ग्रीन गार्लिक मट्ठा और इसके साथ जलेबी और ग्रीन चटनी और सेव के साथ सर्व किया जाता है। पूरा प्लेटर की तरह सर्व किया जाता है, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बनती है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रीन गार्लिक मट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ और इसमें मैं दो हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं लेना है, कम तीखी वाली मिर्ची लेना है। और इसी के साथ इसमें ले रही हूँ हरा लहसुन, तो मैं आधा कप ले रही हूँ। आप लहसुन का प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो ये भी मैं आधा कप डाल देती हूँ। और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये चटनी हमारी रेडी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो दही लिया है वो एकदम गाढ़ा है और माइल्ड खट्टा है, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। और दही जो है वो एकदम क्रीमी होना चाहिए और बहुत ही टेस्टी होना चाहिए। अगर दही प्रॉपरली कैसे जमाना है वो मैंने वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको वैसे एकदम क्रीमी और एकदम थीक और माइल्ड टेस्ट वाला आपको दही तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिया हुआ है और इसे मैंने विस्क कर लिया है। तो ये वाला जो चटनी है इसमें डाल देंगे। इसमें से मैंने थोड़ी चटनी बचा के रखी है, एटलीस्ट 1 टेबलस्पून जितनी होगी। और इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच भर के चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बाकी की जो हरी चटनी है वो भी मैं डाल देती हूँ। और इसमें मैं 1/2 कप जितना पानी ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिला के मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये जो मट्ठा है वो थोड़ा सा थीक ही रहता है, लस्सी टाइप का रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मट्ठा कितना बढ़िया रेडी हुआ है और देखते ही पीने को मन करे ऐसा मट्ठा रेडी हुआ है। आप अभी मैं गाढ़ा रख रही हूँ क्योंकि मुझे गाढ़ा ही पसंद है। अगर आप चाहें तो इसे और लिक्विड कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही मट्ठा पसंद है। तो ग्रीन गार्लिक मट्ठा हमारा रेडी है। आप इसे उंधिया और जलेबी के साथ सर्व करें और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।